खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद जिले में पहली बार पहुंचे एमएलसी लाल बिहारी यादव का सपा नेताओं ने कार्यक्रम का आयोजन कर जमकर स्वागत किया। नगर के नेहरू हॉल सभागार में एमएलसी लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएलसी लाल बिहारी यादव को सपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर जमकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एमएलसी लाल बिहारी यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, नौजवान, मजदूर सभी परेशान हैं, महंगाई अपने चरम पर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वो सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी मूल पूंजी ईमानदारी और मेहनत है, उसी के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्रदेश की जनता के सवालों को ईमानदारी पूर्वक सदन में भी उठाएंगे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का प्रत्यक्ष का नेता बनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष सरकार द्वारा जो जनता की अपेक्षाएं की जा रही है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो जितने भी पेपर प्रतियोगी हैं उसके सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, कि जितने भी सरकार की दुर्व्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा और जनता के हितों में जो है लगातार संघर्ष करूँगा और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशों पर जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करूं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।